आज कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा हम सब के सिर पर मंडरा रहा है। ऐसे में हमने एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर इस बीमारी से जुड़ी जरूरी बातों को जाना। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण का अब तक इलाज नहीं खोजा जा सका है। ऐसे में सबके मन में ये सवाल भी है कि आखिर कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के बाद क्या किया जा रहा है। तो आइए सीधे डॉक्टर से जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। आज हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोविड 19 की जो महामारी विश्वव्यापी फैली हुई है उसके क्या लक्षण हैं और मरीजों को या लोगों को उसके बचाव के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए। अगर देखा जाए तो आजकल कोविड 19 के प्रेजेंटेशन विभिन्न प्रकार के आ रहे हैं। कुछ केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिसमें कोई भी लक्षण नहीं होता है। कुछ केसेस में ये सिम्प्टोमेटिक होते हैं जिसमें लक्षण होते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक, जैसे साधारण इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है, बुखार आना, सर्दी खांसी और सांस सूखना। इसमें एक्चुअली जो इंड स्टेज है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। इसमें प्रेजेंटेशन विभिन्न प्रकार के पाए जाने हैं मरीज में। बेसिकली इसका एक जैसे साधारण इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट होता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें बेसिकली हम लोग करते हैं। इसमें अभी तक कुछ कराकर कुछ मेडिसिन इसमें वर्क हम लोग ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन को दे रहे हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामॉल, लिवोसिट्रिजिन, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है प्रॉपर हाइड्रेशन है, ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं मरीज को ट्रीटमेंट के लिए। और एक बैलेंस्ड डाइट उनको दिया जा रहा है जैसा प्रशासन की तरफ से या हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके कंसल्टेशन से मरीजों को उनके सुपरविजन में दिया जा रहा है। और इसमें हम लोग जो आपके बचाव के तरीके आपने पूछा है, इसमें हम लोग को प्रॉपर जो गाइडलाइन मिली है उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। एक प्रचार प्रसार करते हैं शासन और प्रशासन की तरफ से, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना, लॉकडाउन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देश भर में चल रहा है, और उसके अनुसार उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन रेड ग्रीन में हम लोग बांट रहे हैं, ऑरेंज जोन में बांट रहे हैं, और नियम पूर्वक हम लोग को ये फॉलो भी करना चाहिए, खुद के बचाव के लिए जरूरी भी है। डॉक्टर, जो तैयारियां की गई हैं यहाँ जरा उसके बारे में बता दें कि मोहम्मदाबाद में आज जो है हम लोग के पास प्रॉपर तैयारी है कि अगर ये बड़े पैमाने में फैलता है तो हम लोग के पास लगभग 400 बेड तैयार है, जिसमें हम लोग प्रमुख जगह को जो चूज किए हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद है, डिग्री कॉलेज है, MGRP स्कूल्स हैं, चंदनी स्कूल, चंदनी में जो स्कूल है वहाँ पर भी हम लोगों ने तैयारी कर रखी है, और कई जगह हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं प्रशासन की मदद से, और प्रशासन के देख रेख में वहाँ पर सब सुविधाएँ मरीजों और वहाँ स्टाफ को मुहैया कराई जाएगी। और अभी तो यहाँ मरीज नहीं आए हुए हैं कोई नहीं, जिस हिसाब से केस बढ़ रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मरीज जल्दी ही मोहम्मदाबाद में भी होंगे। पहले भी 5 मरीज यहाँ रखे जा चुके हैं 4 तारीख से लेकर 9 अप्रैल तक, और उसमें सब मरीज फिर शासन के आदेश पर इनको मंडली बनारस मंडल में शिफ्ट कर दिया गया था। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।